बहुत बहुत बधाइयां महाराज। सोमवार की जन्माष्टमी का भी पर्व है, तो आप सभी को अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे लड्डू गोपाल कल्लू जी महाराज साल में एक बार उनके स्नान का हम लोग रखते हैं, तो कल रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप लोग लाइव ठाकुर जी के 1 घंटे का 8 बजे से 9 बजे तक स्नान का दर्शन रात्रि को कर सकेंगे। मोबाइल पर आप लोग आराम से अपने यूट्यूब फेसबुक पर ठाकुर जी के सुंदर स्नान का दर्शन, जो साल में एक बार काम लोग करते हैं, उसका दर्शन आप कर सकते। एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। तो कहोगे गुरु जी ये कथा कहाँ से निकाल के लायो, तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। में से विष्णु पुराण में से एक पात्र में देसी गाय का दूध जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उसे जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो, अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया, तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी नहीं, तो नेत्र होना। जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा, शंकर भगवान से भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांछित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर, चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है, तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाती है, उतने लाड़ की जरूरत। जितनी छोटी, अब आप कहोगे गुरु जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी बहुत साल पहले, 21 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की, इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे और उनके कोई गुरु जी, अब गुरु जी तो गुरु जी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल हैं ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरु जी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहे हैं। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। और क्या चीज लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है, लाडला।
जय हो। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की, जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध, देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में, अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना देसी गाय का दूध, धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ आप समर्पित करें देसी गाय का दूध, एक एक बूंद समर्पित करें, धीरे धीरे समर्पित करो, और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहां पर होना चाहिए, कार्य में सफलता मिलती है। शिव तत्व को धारण कर, सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। पीला चंदन लगा लेना, कितना लगाना है, बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए, इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप है, वो माता 64 योगनिया देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।